तो सो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खाने की डिश के बारे में जो पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से बनाई जाती है। इसके अलग अलग टाइप्स आते हैं और इन सभी टाइप्स को भारत में बड़े ही चाव से खाया जाता है। इस चीज का नाम है छोले। छोले के साथ मिलाकर कई सारी डिशें नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया, ईस्ट से लेकर वेस्ट हर जगह फेमस है। छोले के अलग अलग टाइप आते हैं और इन्हें छोले चावल, छोले भटूरे, छोले कुलचे और अलग अलग तरीकों से खाया जाता है। इसकी ज्यादातर डिशें वैसे तो पंजाब में पाई जाती हैं, पर पूरे भारत में आप इन्हें आराम से खरीद कर खा सकते हैं। पर जब हम एक किडनी के पेशेंट के बारे में बात करते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या चीजें खा रहे हैं। उन्हें ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खानी होती जो उनकी किडनी की डाइट का हिस्सा ना हो। ऐसी चीजें वो अगर थोड़ी बहुत भी खा लेंगे तो उनके शरीर में मौजूद तरह तरह के मिनरल्स बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में बढ़ जाएंगे। ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। ये आपके शरीर को एक्स्ट्रा नुकसान पहुंचाते जाएंगे और आपकी किडनी की बीमारी के दौरान आपके शरीर में दुगना बुरा असर पड़ने लगेगा। ऐसे में किडनी का पेशेंट हमेशा ये सोचता है कि क्या वो अपनी किडनी की बीमारी के दौरान छोले या उससे जुड़ी कोई भी डिश खा सकता है। तो चलिए आज हम आपको ये बता दें कि आपको अपनी किडनी की डाइट में छोले बिल्कुल नहीं खाने। अगर आपकी किडनी की बीमारी शुरुआती स्टेज पर है या फिर एंड स्टेज पर है, आपको दोनों ही कंडीशनों में छोले से बिल्कुल दूर रहना है। दरअसल में छोले आपकी किडनी की बीमारी के दौरान इतने खतरनाक हो सकते हैं कि आपके शरीर में मौजूद गंदगी को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाते जाएंगे। जब आपकी किडनियां ढंग से काम कर रही हों तो इन्हीं गंदगियों को आपके शरीर से दूर कर देती है। पर आखिर छोले में मौजूद ये गंदगियां होती क्या है? दरअसल में छोले में मौजूद होते हैं कई सारे मिनरल्स जिनमें आपको ध्यान रखना होता है फास्फोरस और पोटेशियम का। थोड़े से छोले में ही 136 मिलीग्राम फास्फोरस होता है और इसमें होता है 380 मिलीग्राम पोटेशियम। अब ये दोनों चीजें वैसे तो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं। ये आपके शरीर के कई सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं और पूरी कोशिश कर आपके शरीर को हेल्दी भी रखती हैं। पर जब आपको किडनी की बीमारियां हो गई होती हैं तो आपकी किडनियां फास्फोरस और पोटेशियम को आपके शरीर से नहीं छान पाती। ऐसा होने पर आपके शरीर में ये दोनों ही मिनरल्स भारी मात्रा में इकट्ठे होते जाते हैं या आपके खून में मिलते जाते हैं और आपके खून के लिए टॉक्सिन या जहर बनते जाते हैं। आपके शरीर में जितने ज्यादा मात्रा में फास्फोरस मौजूद होगा आपकी हड्डियों पर उतना ही ज्यादा बुरा असर पड़ता जाएगा। ज्यादा मात्रा में फास्फोरस होने से आपकी हड्डियों का कैल्शियम टूटकर आपके खून में मिलता जाता है। ऐसा होने से बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इंसान की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि गिरने पर भी उनकी हड्डियां टूट सकती हैं। किडनी की बीमारी के दौरान इंसान को अपने शरीर के बाकी अंगों का भी ध्यान रखना होता है। इसी वजह से उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि उसके शरीर में पोटेशियम की मात्रा कितनी ज्यादा जा रही है। आपके शरीर में जितना ज्यादा पोटेशियम जाता जाएगा आपकी नसों को उतना ही नुकसान पहुंचता जाएगा, आपके शरीर का ब्लड प्रेशर उतना ही ज्यादा हाई होता जाएगा और आपके दिल में भी असर पड़ता जाएगा। पोटेशियम ही वो मिनरल है जिसकी वजह से आपका हार्ट एक अच्छे रेट पर धड़कता है। वैसे एक नॉर्मल इंसान का हार्ट रेट होता है 72 बारी पर मिनट, पर अगर आपके शरीर में ज्यादा पोटेशियम हो जाएगा तो आपके हार्ट का बीटिंग रेट बहुत ही डिसबैलेंस हो जाता है। आपका हार्ट रेट कभी भी कम हो जाएगा, कभी भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसा होना आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। ऐसे पेशेंट जिनमें पोटेशियम ज्यादा मात्रा में हो जाता है उन्हें हार्ट अटैक भी बहुत ही आराम से हो सकता है। इसलिए आपको ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खानी होती जिसमें ज्यादा मात्रा में पोटेशियम हो और इसी वजह से छोले आपके लिए जहर बन सकते हैं। जरूरत यह है कि आप अपनी किडनी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ बाहर फेंकें। और ऐसे में आपकी मदद कर सकता है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक दवाइयों का ज्ञान। कर्मा आयुर्वेदा एक ऐसा संस्थान है जिन्होंने पिछले कई दशकों में 35,000 से ज्यादा किडनी के पेशेंटों को ठीक कर दिखाया है। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।